हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव जीत रही है। अंडर करंट है, जबरदस्त अंडर करंट है। यहां पे आप देखना, जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। पहली बार मैंने देखा सब कम्युनिटी किसी एक सरकार से गुस्सा है। पाटीदार समाज, पिछड़ा समाज, आदिवासी, दलित, सब के सब आंदोलन कर। प्रधानमंत्री जी अपनी आखिरी मीटिंग्स में या तो कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं या फिर अपनी बात कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार का बात करते थे, हर मीटिंग में भ्रष्टाचार की बात होती थी। जय शाह जी का मामला आया, राफेल डील सामने आई, आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दिया। क्या सूरत के छोटे बिजनेसेस के, अहमदाबाद के छोटे बिजनेसेस का सपोर्ट नहीं किया जा सकता है? क्या इनको टेक्नोलॉजी नहीं दी जा सकती है? क्या बैंक के दरवाजे इनके लिए नहीं खोले जा सकते हैं? जॉब क्रिएटर्स ये होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जॉब क्रिएट करते हैं, उनको तो यहां पता ही नहीं करते। उनको आपने नोटबंदी कर दी, उनपे नोटबंदी कर दी, उनपे गबरदी चला दी। तो हमारा फोकस जो गुजरात की स्ट्रेंथ है, जो पूरी दुनिया जानती है, स्मॉल मीडियम बिजनेसमैन, और जो आपका व्यापार का जो स्किल है जो पूरी दुनिया जानती है, उसको हम सपोर्ट करेंगे, बैंक लोन देंगे। प्रकार मणिशंकर जी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बोला, वो मोदी जी हैं मगर वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी हैं। मैंने बात क्लियर कर दी है कि इसको मैं टॉलरेट नहीं करने वाला हूं, और आपने एक्शन, आप सबको एक्शन दिख दिया। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के बारे में बात की, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मनमोहन सिंह जी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, और मनमोहन सिंह जी ने हिंदुस्तान के लिए काम किया है, कुर्बानी दी। तो जिस प्रकार से मोदी जी ने उनके बारे में बोला, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। अगर सवाल पूछा गया कि मनमोहन सिंह जी, क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ जो लाइन है देश में, जब तक वो आतंकवाद समाप्त नहीं करेगा बातचीत नहीं होगी, कश्मीर में आप देख रहे हैं उनके आतंकवादियों को भारत की सेना रोज मारती है, तो आप क्यों बात करने गए थे? ये सवाल उठाना क्यों गलत है? और राहुल गांधी इसका जवाब अभी तक नहीं दे पाए हैं।